आज तो मैं मेंशन करूंगा फास्ट बॉलर, क्योंकि मेरे पास ये देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 फास्ट बॉलर खड़े हुए। इन 6 का 6 अचानक मेरे पास आए और कहने लगे, सर हमारे पास 3 क्वेश्चन है। और इन्होंने मुझे ये तीनों बॉल थमा दी, और ये तीनों बॉल थमाने के बाद इन्होंने सवाल किया, एज ए फास्ट बॉलर तेज गेंदबाज हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारा नया बॉल भी दोस्त हो जाए। मैं दोस्त इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे दोस्ती करनी पड़ेगी, अगर इसे कंट्रोल में रखना है तो। क्या किया जाए कि सेमी न्यू बॉल दोस्त बन जाए, और क्या किया जाए कि हमारा ओल्ड बॉल हमारा फ्रेंड बन जाए। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम द ऑल द फास्ट बॉलर, और मैं कोशिश करूँगा इसको डिफाइन करने के लिए। मेरे हाथ में आप 3 बॉल देख सकते हैं, एकदम नया बॉल है जो फर्स्ट ओवर्स में यूज़ होता है, दूसरा मेरे हाथ में जो बॉल है वो आपको 15 ओवर्स के बाद यूज़ करने में आता है, जिसको हम बोलते हैं सेमी न्यू बॉल। और तीसरा जो बॉल है ऑलमोस्ट 30-35 ओवर्स के बाद यूज़ होता है, इसको हम बोलते हैं ओल्ड बॉल। तीनों बॉलों में मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ कि तीनों बॉल में डिफरेंस क्या है। जब नया बॉल एक पेस बॉलर डालता है, ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होना चाहिए कि उसका कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो नए बॉल से डाल रहा है तो उसका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। आप नए बॉल को जब पिच कराओ तो हिट करने की कोशिश मत करो। ये तीनों बॉल है देखो मेरे हाथ में, इसे आपने हिट नहीं करनी, इसे आपने पुश करना है। पुश का मतलब होता है ना, दरवाज़ा जैसे कैसे खोलते हैं, हल्के से, तेज़ी से नहीं, हल्के से इसे पुश करो और इसे हिट करो। ये तीनों फ़र्क है ये नए बॉल, सेमी न्यू बॉल्स एंड ओल्ड बॉल में। अब मैं आपको बताता हूँ, ये कंडीशनल स्विंग्स होता है इसमें, जो नया बॉल होता है इसमें कंडीशनल स्विंग्स होता है। इसको आपने हिट करने हैं राइट एरियाज़ में, और आपने अगर राइट एरियाज़ में बॉल को हिट किया तो ऑटोमेटिकली ये जो बॉल है ये अपना काम करेगा। एज ए फास्ट बॉलर, एज ए ओपनर फास्ट बॉलर, आपको काम ये करना है कि इस बॉल पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल कैसे होगा, देर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द ऑल द बॉलर्स की हाउ टू कंट्रोल अ न्यू बॉल। सबसे सिंपल फंडामेंटल राइट्स है कि आपको नए बॉल से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितना ज़्यादा नए बॉल से प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप बॉल को कंट्रोल करने में सक्षम हो जाओगे, आप एक्सपर्ट बन जाओगे। तो नए बॉल से प्रैक्टिस आपको बेटर बना सकती है। दूसरा, आपका राइट एरियाज में बॉल को हिट करना, इससे आप नए बॉल के अच्छे बॉलर बन जाओगे। दूसरा क्वेश्चन था कि सेमी न्यू बॉल, सेमी न्यू बॉल थोड़ा सा पुराना हो जाता है, इसको आप हिट कर सकते हो, क्योंकि ये जो कंडीशनल स्विंग नए बॉल का था वो ख़त्म होके इसमें आपको स्विंग पैदा करना पड़ेगा। एक तरफ साइनी पार्ट हो जाएगा और एक तरफ रफ हो जाएगा। जिस तरफ का साइनी पार्ट होगा उस तरफ का बॉल स्विंग होगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्रिकेट की लैंग्वेज में कहा जाता है कि ये मैंने बॉल पकड़ा है, क्रिकेट की लैंग्वेज में ये जो बॉल का एरिया साइनी है ये मेरे इनसाइड ऑफ द बॉडी है, तो ये बॉल जब मैं यहाँ से रिलीज़ करूँगा तो ये बॉल बाहर की तरफ जाएगा। समझ में आई, ये बॉल जो रहेगा ये मैं हिट करूँगा राइट हैंडर के लिए तो ये बाहर की तरफ जाएगा। अब सेम यही पोजिशन में मैंने सीम चेंज कर दी, शाइनी पार्ट बाहर, मेरी क्रिकेट की लैंग्वेज में साइनी पार्ट मेरी बॉडी के बाहर है, यानी बाहर की साइड है, और जब मैं इसे हिट करूंगा तो ये बॉल अंदर की तरफ जाएगा, ये बॉल करेगा आपका सेमी न्यू बॉल। अब हम आते हैं ओल्ड बॉल पे, ये पुराना बॉल है। कल हमारा एक बॉलर डाल रहा था, उसको पता ही नहीं कि ये रिवर्स स्विंग होता है। इनको वो मोस्ट ऑफ बॉलर को, शायद आपको भी जो बिगिनर होंगे उनको पता भी नहीं है कि रिवर्स स्विंग होता क्या है। यानी अभी मैंने क्या कहा था कि ये वाली जो बॉल है अगर मेरे अंदर साइड है, बॉडी के अंदर है, तो ये बाहर की तरफ स्विंग होगा। लेकिन अगर ये जब ओल्ड बॉल मेरे हाथ में है और ये साइन मेरा कहाँ है, अंदर की तरफ है, यानी ये मैंने हाथ में जो रखा है ये आउट स्विंग होना चाहिए, लेकिन ये होगा इन स्विंग। और इसका बहुत बड़ा लॉजिक है कि इन स्विंग क्यों होगा। अगर मैं इस पर बात करना चाहूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिवर्स स्विंग की एक अलग फिलोसफी है कि रिवर्स स्विंग बॉल होता कैसा है, ठीक है।